बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज लेक्चर नंबर 15 के साथ चैप्टर नंबर 2 में आज हम पढ़ेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड की मैन्युफैक्चरिंग। NaOH कमर्शली किस तरह से बनाया जाता है। NaOH को कास्टिक सोडा कहते हैं। कास्टिक सोडा एक इम्पॉर्टेंट कमर्शियल प्रोडक्ट है और हम इसको बाकायदा इंडस्ट्री में मैनुफैक्चर करते हैं। आज हम तरीका सीखेंगे कि किस तरीके से इंडस्ट्री में मैनुफैक्चर किया जाता है। इंडस्ट्री में ये मैनुफैक्चर किया जाता है डायाफ्राम सेल से। ये असल में एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। आए डायफ्राम सेल की स्ट्रक्चर को समझते हैं, फिर देखते हैं कि प्रोसेस कैसे कंप्लीट होता है। ये आपके सामने एक लेआउट बनाया हुआ है। ये डायफ्राम सेल है, इसके अंदर एनोड है। ये वुमन ग्रेफाइट का होता है और ये साइड पे आपको नज़र आ रहा है, ये जो आपको नज़र आ रहा है स्टील का परफोरेटेड कैथोड है, ऑब्लॉन्ग्ड परफोरेटेड कैथोड। परफोरेटेड से मुराद यह है कि इसमें मसाम होते हैं। इस कैथोड के अंदर हम ब्राइन डाल देते हैं। ब्राइन सोडियम क्लोराइड के सैचुरेटेड सॉल्यूशन को बुलाते हैं, तो हम इसके अंदर ब्राइन डाल देते हैं। ये ब्राइन यहाँ पे ज़्यादा देर स्टे नहीं करेगा, उसकी वजह यह है कि ये जो कैथोड है ये परफोरेटेड है, इसमें मसाम है और ये धीरे धीरे अंदर को रिसता रहेगा। इसको यहाँ पर स्टे करवाने के लिए कि ब्राइन यहाँ पे कुछ वक्त स्टे करे, इसके अंदर की साइड पे एस्बेस्टॉस की शीट लगा दी जाती है, वो भी पोरस होती है और वो कुछ देर तक इस ब्राइन को यानी NaCl सैचुरेटेड सॉल्यूशन को इसके अंदर स्टे करवा सकती है। नीचे ये कैच बेसन है जहाँ पे कलेक्शन होगी। इसके अलावा क्लोरीन गैस जो है वो यहाँ से एस्केप करेगी और यहाँ से एक और गैस एस्केप करेगी, हाइड्रोजन गैस, जबकि यहाँ पे हमें NaOH का सोल्यूशन हासिल होगा जिसमें से हम NaOH को बाद में क्रिस्टलाइज करेंगे। मैं दोबारा रिवाइज कर देता हूँ। हम NaOH यानी कास्टिक सोडा की फॉर्मेशन को पढ़ रहे हैं। ये आमतौर पे डायफ्राम सेल से बनाया जाता है। ये डायफ्राम सेल का एक लेआउट है। ये इसमें ऑब्लॉन्ग्ड परफोरेटेड कैथोड आपको नज़र आ रहा है, ये मसामदार है, पोरस है। इसके अंदर एस्बेस्टॉस का शीट लगा दी जाती है और ये शीट जो है ये भी पोरस है और ये सोल्यूशन को कुछ देर इसमें स्टे करवा सकती है। इसमें NaCl का सोल्यूशन भर दिया जाता है यानी NaCl का सैचुरेटेड सोल्यूशन पानी में, उसको ब्राइन कहते हैं। बीच में ये एक एनोड लगा हुआ है, ये आमतौर पर ग्रेफाइट का बना होता है। अब ये ऑपरेशन होता कैसे है, इसके अंदर से हम स्टीम भी पास करते रहते हैं, उससे ये होता है कि सोल्यूशन जो है वो हीटेड भी रहता है और पोर्स जो हैं ये ओपन भी रहते हैं। इसके अंदर चूँकि NaCl सोल्यूशन है इसलिए Na आयंस होंगे, Cl आयंस होंगे और साथ में पानी होगा। जब इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है तो इलेक्ट्रिसिटी पास करने से ये पॉजिटिव आयंस इस बाहर वाले परफोरेटेड कैथोड की तरफ भागते हैं। इसी तरह से इन पॉजिटिव आयंस के अलावा पानी के मॉलिक्यूल्स यानी पानी जो है ये भी इस परफोरेटेड कैथोड की तरफ जाता है। असल में पानी तो यहाँ बहुत सा मौजूद है, तो ये परफोरेटेड कैथोड से पानी भी इसके साथ टच हो रहा है, आयंस भी जाते हैं। ये पानी का और सोडियम आयंस का आपस में कॉम्पिटिशन होता है। सोडियम आयंस भी इस कैथोड से जाके इलेक्ट्रॉन कैप्चर करना चाहते हैं, इसी तरीके से ये पानी भी इस कैथोड से जाके इलेक्ट्रॉन कैप्चर करना चाहता है। पानी असल में प्रोड्यूस करता है एच पॉजिटिव आयंस, ये एच पॉजिटिव आयंस इलेक्ट्रॉन लेते हैं। अब पानी का इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्बिंग टेंडेंसी सोडियम आयंस के मुकाबले में ज़्यादा है, इस वजह से ये पानी इस कैथोड की तरफ जाएगा और कैथोड की तरफ जाके वहाँ से इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेगा। यहाँ पे मैंने कैथोडिक रिएक्शन लिखा हुआ, आप देख सकते हैं पानी के मॉलिक्यूल्स कैथोड की तरफ गए और वहाँ से उन्होंने दो इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर लिए। ये इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करके हाइड्रोजन गैस बन जाती है और साथ में हाइड्रोक्साइड आयंस बनते हैं। हाइड्रोजन गैस तो यहाँ से बाहर को एस्केप कर गई, यहाँ से निकली बाहर को एस्केप कर गई, जबकि हाइड्रोक्साइड आयन यहाँ पर बच गए। चूँकि धीरे धीरे ये सोल्यूशन ये ज़्यादा देर यहाँ पे स्टे नहीं कर सकता, मसाम है उसमें से धीरे धीरे ये नीचे को गिरता रहता है, इसलिए ये जो सोडियम आयंस जो कि इलेक्ट्रॉन कैप्चर नहीं कर सके इस कैथोड से, सोडियम आयंस भी नीचे को गिर गए सोल्यूशन के साथ। और जो पानी ने OH आयंस बनाए हैं
पानी ने वो एच आइंस बनाए हैं ये भी नीचे चले गए। तो नीचे सोल्यूशन में सोडियम आइंस होते हैं, बहुत से ओ एच आइंस होते हैं। ये ओ एच आइंस कहाँ से आए? ये पानी ने बनाए। ये पानी ने यहाँ से इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करके हाइड्रोजन गैस बन गया और ओ एच आइंस नीचे को गिर गए, सोडियम आइंस भी नीचे को आ गए। इसी तरीके से कुछ क्लोराइड भी नीचे को आ जाते हैं, चूँकि सोल्यूशन स्टे नहीं ना करता, आहिस्ता आहिस्ता नीचे को पॉपुलेट करता है, तो कुछ थोड़े बहुत सी एल आइंस भी आ जाते हैं। ये तो है कैथोडिक रिएक्शन। एनोडिक रिएक्शन में क्या होता है, हमने बताया कुछ सी एल आइन नीचे को जो है वो ग्रेविटी की वजह से और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से नीचे को ट्रेवल करते हैं, मगर मोस्टली सी एल आइन अपोजिट साइड पे जाते हैं और ये एनोड पे जाके इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। सी एल के पास आपको पता है इलेक्ट्रॉन लूज करने की एबिलिटी है, इसके पास इलेक्ट्रॉन है, ये जाके लूज करते हैं। ये मैंने एनोडिक रिएक्शन लिखा है, दो सी एल जो हैं ये दो इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे और क्लोरीन गैस बन के एस्केप कर जाएंगे। इस तरीके से इस सेल में रिएक्शन कंप्लीट होता है, सी एल नेगेटिव आइंस एनोड की तरफ जाके इलेक्ट्रॉन लूज करके क्लोरीन गैस बन के एस्केप कर जाते हैं, जबकि सोडियम आइन पानी जो है वो कैथोड से इलेक्ट्रॉन गेन करके हाइड्रोजन गैस बन के एस्केप करता है। पानी बन जाता है ओ एच आइंस और सोडियम नीचे, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड की कंसंट्रेशन अंदर ज़्यादा होती है, जिसको बाद में हम क्रिस्टलाइज आउट कर लेते हैं इस सोल्यूशन में से। इसमें 1% के करीब इम्प्योरिटी यानी NaCl भी आ जाता है, मगर कमर्शियली हमारे लिए वायबल है, हम आसानी से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इस प्रोसेस को दोबारा रिवाइज कर देता हूँ। इस प्रोसेस में होता यह है कि ये जो हमने ब्राइन अंदर डाला हुआ है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaCl, इसमें NaCl आयंस की फॉर्म में मौजूद है और साथ में पानी मौजूद है। जब इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो ये Cl आयंस एनोड के पास जाते हैं, ये एनोड की तरफ जाके इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं और क्लोरीन गैस बन के यहाँ से बाहर को बबल्स की फॉर्म में एस्केप कर गए और यहाँ से ये एस्केप कर गए। जबकि पानी और सोडियम आयंस का आपस में कंपटीशन होता है, पानी इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्बिंग टेंडेंसी ज़्यादा रखता है क्योंकि ये एच पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करता है, असल में इलेक्ट्रॉन एच पॉजिटिव आयन कैप्चर करते हैं, तो पानी जो है इसकी इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्बिंग टेंडेंसी Na के मुकाबले में, पॉजिटिव आयंस के मुकाबले में ज़्यादा है। पानी वहाँ से जाके इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करता है और हाइड्रोजन गैस यहाँ से साइड से निकल के एस्केप कर गई। पानी बन गया OH, सोडियम आयंस भी मौजूद हैं, ये धीरे धीरे सोल्यूशन के साथ परकुलेट करते हैं नीचे को। नीचे कैच बेसन है जिसमें सोडियम और OH आयंस की मिकदार बहुत ज़्यादा है, कुछ हद तक Cl आयंस भी अंदर आ जाते हैं, ग्रेविटी और ग्रेडियंट की वजह से नीचे को गिर जाते हैं। इस सोल्यूशन को हम अगर क्रिस्टलाइज करें तो इसमें से NaOH को हासिल किया जा सकता है, मगर साथ में थोड़ी बहुत इंप्योरिटी आएगी NaCl की 1% के करीब, जो कि कमर्शियली वायबल है, हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं कमर्शियल पर्पस के लिए। ये जो है ये वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है जो वुमन इंडस्ट्री में अडॉप्ट किया जाता है, मगर इसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं। अब उन प्रॉब्लम्स को कैसे रेक्टिफाई किया गया, आइए सबसे पहले समझते हैं कि इसमें प्रॉब्लम्स क्या हैं। ये मैंने नीचे प्रॉब्लम्स लिखे हुए हैं। अब होता यह है, पहला प्रॉब्लम, जब पानी यहाँ से इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करता है तो आपको पता है पानी OH आयन बन जाता है, पानी बन गया OH। इसका मतलब इसमें जब ये प्रोसेस इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही होती है तो अंदर OH आयन बन रहे होते हैं। ये OH आयन बहुत से नीचे को गिरते हैं, मगर कुछ OH आयंस चूँकि नेगेटिव चार्ज वाले हैं, हाइड्रोक्साइड हैं, ये ऊपर के सिम में ट्रेवल करना शुरू कर देते हैं और एनोड पर जाके इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। जिस तरह Cl लूज करता है ना इलेक्ट्रॉन, इस तरह OH जाके इलेक्ट्रॉन लूज कर देंगे। तो मैंने बताया कि चार OH ये चार इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं एनोड, जिसके नतीजे में ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होती है, साथ में पानी पैदा होता है, साथ में ऑक्सीजन गैस पैदा होती है। ये ऑक्सीजन गैस जो है एनोड पे जो पैदा हो रही है ये यहाँ से एस्केप करेगी, और ये एस्केप जब करेगी तो ये क्लोरीन गैस जो कि साथ बन रही है उसको कंटेमिनेट करेगी, ख़राब करेगी, हमारी बाय प्रोडक्ट स्पॉइल होगी। मैं फिर बताता हूँ आपको, जब ये प्रोसेस चल रहा होता है तो अंदर मौजूद पानी इसने जाके कैथोड से इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करने होते हैं और OH में बदलना होता है, तो ये पानी बन जाता है OH। मगर जब ये OH बन जाता है तो बहुत सा तो नीचे गिरता है ना, जो बाद में हम क्रिस्टलाइज करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, मगर बहुत से OH ऐसे हैं जो चांसेस मौजूद हैं, ये क्या करते हैं, ये अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं एनोड की तरफ, वहाँ जाके इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं और ऑक्सीजन गैस बना देते हैं। ये ऑक्सीजन गैस निकलती है, चूँकि यहाँ से क्लोरीन भी एस्केप हो रही है, Cl भी इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं वहाँ जाके, वो भी एस्केप हो रही है, क्लोरीन ऑक्सीजन मिक्स हो जाते हैं, कंटेमिनेट हो जाती है क्लोरीन गैस बाय प्रोडक्ट। दूसरे नंबर पे ये जो OH यहाँ पे पैदा होते हैं
ये इस क्लोरीन गैस से जो बन गई है इससे रिएक्शन कर सकते हैं। ये जो पानी से OH आयन बनते हैं, ये जो क्लोरीन गैस, यहाँ पे क्लोरीन गैस क्यों, Cl नेगेटिव आयन एनोड पे जाके क्लोरीन गैस बना रहे हैं, तो ये OH आयन जो यहाँ बने हैं ये इस क्लोरीन से रिएक्शन करके डिफरेंट प्रोडक्ट्स बना देते हैं और ये सेल को ख़राब करती हैं, सेल मटेरियल को डैमेज करती हैं। तो यहाँ पे दो तरह के प्रॉब्लम हैं जिनको हमें एनकाउंटर करना पड़ता है, दोनों का ताल्लुक हाइड्रोक्साइड आयंस के साथ है। मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, पानी जब इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस हो रहा होता है, बिजली गुजर रही है, पानी ने बनना है, पानी जो है ये जाएगा कैथोड के पास और कैथोड के पास जाके इलेक्ट्रॉन लेगा और OH बन जाएगा। ये OH दो काम करता है, एक तो ये एनोड पे जाके इलेक्ट्रॉन रिलीज करके ऑक्सीजन गैस बनाता है, दूसरा ये OH जो यहाँ पे एनोड पे क्लोरीन बन रही है ऑलरेडी उसके साथ रिएक्शन कर जाता है। तो इनका सोल्यूशन कैसे निकाला जाए, इसका बाकायदा सोल्यूशन निकाला गया। इसके अंदर एक डायफ्राम लगा के एस्बेस्टोस पे, ये जो सेल है, इस सेल का मैं सिर्फ अब ये वाला हिस्सा ले रहा हूँ, ये जो आपको नज़र आ रहा है ये परफोरेटेड कैथोड का, ये थोड़ा सा बड़ा करके मैंने बना दिया है यहाँ पे, मगर इसमें और इसमें थोड़ा सा फर्क है। आप देख सकते हैं ये ओब्लोंग्ड किस्म का परफोरेटेड कैथोड बाहर की तरफ है और यहाँ एनोड है। परफोरेटेड कैथोड और एनोड के दरमियान में NaCl का सोल्यूशन है और कुछ नहीं है। अब हम इसी को अगर दूसरी साइड पे देखें चल के, तो हमें नज़र आएगा ये वही कैथोड है, ओब्लोंग्ड कैथोड बाहर की तरफ और ये वही एनोड है बीच में। अगर थोड़ा सा फिर वाजे करके दिखा सके, थोड़ा सा इस साइड पे दोबारा दिखा सके, दरमियान में एनोड, साइडों पे कैथोड, दरमियान में सोल्यूशन NaCl का। अब इसी को देखते हैं, दरमियान में एनोड है, साइडों पे ये कैथोड है और इसके दरमियान में क्या है, इसके दरमियान में एक हमने परफोरेशन लगा दिया, नहीं ये परफोरेशन ये नहीं लगा दिया, ये पहले वाले में मौजूद नहीं थी। ये अगर आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एनोड और कैथोड के दरमियान में कोई परफोरेशन नज़र नहीं आ रही आपको, एस्बेस्टोस की कोई शीट नज़र नहीं आ रही, हाँ इसके ऊपर लगी हुई है, मगर यहाँ दरमियान में कोई सेपरेशन आपको नज़र नहीं आ रही। मगर हमने इन प्रॉब्लम्स की वजह से जो यहाँ हमने एनकाउंटर किए उसकी वजह से दरमियान में एक और सेपरेशन कर ली। एनोड और कैथोड, ये कैथोड बाहर वाला, इसके दरमियान में एक सेपरेशन लगा दी एस्बेस्टोस की। उम्मीद आप समझ गए होंगे। अब जो ये जो एनोड वाला कंपार्टमेंट है इसके अंदर हमने भर दिया ब्राइन, और ये जो बाहर कैथोड वाला कंपार्टमेंट है इसमें भर दिया सिर्फ पानी। ये जो एनोड वाला कंपार्टमेंट है इसमें हमने भर दिया ब्राइन सॉल्ट सॉल्यूशन, और जो कैथोड वाला कंपार्टमेंट है इसमें हमने भर दिया पानी। जो ब्राइन सॉल्यूशन वाला कंपार्टमेंट है इसका लेवल ऊपर रखा, और जो दूसरा कंपार्टमेंट है पानी वाला उसका लेवल नीचे रखा। ये देखिए आप लेवल। अब इसके हमें दो फायदे होंगे, नंबर एक, चूंकि ब्राइन का लेवल ज़्यादा है और दूसरे कंपार्टमेंट का लेवल कम है, तो ग्रेविटी या कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से सॉल्यूशन नीचे को धक्का खाएगा। जब इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो Cl नेगेटिव, इन्होंने तो एनोड के पास ही जाना है, इन्होंने यहाँ जाके इलेक्ट्रॉन लूज करने और क्लोरीन गैस बन के एस्केप करना है। अब रहेगी बात ये बाहर वाला कैथोड की, इसकी तरफ भागेगा पानी और ये सोडियम आयंस भागेंगे, मगर आपको पता है पानी की इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्बिंग टेंडेंसी ज़्यादा है, वो इस कैथोड से इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेगा और हाइड्रोजन गैस बन के एस्केप कर जाएगा और OH में बदलेगा। अब ये OH जो हैं
इनको रुकावट का सामना करना पड़ेगा, एक तो ये डायफ्राम की वजह से कि UH इसको क्रॉस करके एनोड तक पहुंचे, और दूसरा ये OH जो यहां पे आएंगे चूंकि ग्रेडियंट नीचे को है, ठीक है ना, इधर लेवल ज्यादा इधर लेवल कम है, तो ये भी रुकावट डालेगा कि ये OH आयन जो है ये ट्रेवल करके वापस पहुंचे। तो हमने OH आयन्स का एनोड की तरफ जाने का रास्ता बंद कर दिया, कम कर दिया, मिनिमाइज कर दिए चांसेस। यहां पे अगर आप पीछे वाली डायग्राम में देखें तो जब यहां पे पानी OH में बदलता था तो OH जो है उनका एनोड की तरफ जाने का रास्ता आसान था, ना बीच में कोई डायफ्राम था, इसमें बीच में कोई सेपरेशन नहीं थी, और ना डिफरेंस ऑफ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट था, जबकि वहां आपको दोनों चीजें मिल रही हैं। दरमियान में जो हमने शीट लगा दी एस्बेस्टोस की, उसने एक तो यहां पे OH आयन जो बनने वाले हैं उनका रास्ता रोका कि वो एनोड की तरफ ना जा पाए, और ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट भी उनको नीचे को धकेल रहा। ऐसी सूरत में इस OH के एनोड की तरफ जाने के चांस कम हो जाते हैं, और वो जो प्रॉब्लम हमें सामना करने पड़ता है कि OH जो है क्लोरीन से रिएक्शन कर जाएगा, UH अपने इलेक्ट्रॉन देके ऑक्सीजन में बदल जाएगा, वो कम हो जाते हैं। इस तरह से हमने इन प्रॉब्लम्स के ऊपर काबू पाया। इनके इसके नीचे वही कैच बेसन लगा हुआ है, यहाँ से सोल्यूशन परकोलेट करता रहेगा नीचे को, ये पानी से बनने वाले OH आयन भी नीचे आएंगे, सोडियम ने तो ऑलरेडी नीचे आ ही जाना है, और नीचे जो सोल्यूशन है उसको हम कलेक्ट करके उसको उसमें से हम क्रिस्टलाइज आउट कर सकते हैं NaOH को। बुक में ये डायग्राम कैसे बनी हुई है, बुक में ये सेकंड नंबर पे डायग्राम बनी हुई है, और मैं आपको इसका आइडिया देता हूँ। बुक में ये एनोडिक कंपार्टमेंट उसने बनाया, सिर्फ इतना सा हिस्सा लिया उसने, इतना सा हिस्सा, इतना हिस्सा उसने लिया है। अगर मैं बाकी हिस्सा मिटा दूँ तो आपको ये ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ये एनोड, ये कैथोड है, ये पानी है। अब आप जरा देखें ये डायग्राम बुक वाली डायग्राम के साथ मैच कर रही है। ये कंपार्टमेंट जो है ये एनोडिक कंपार्टमेंट है जिसमें ब्राइन है, डायफ्राम, और ये कैथोडिक कंपार्ट है जिसमें पानी है। उम्मीद है कि आज का लेक्चर जो है वो आपको समझ में आ गया होगा। इसको ध्यान से स्टडी कीजिएगा, ये एक्सटेंसिव क्वेश्चन है, इसमें डायग्राम्स जो हैं खासी वैल्यूएबल हैं, और केमिकल रिएक्शंस बहुत अच्छे तरीके से याद करके आपको लिखने हैं। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम।